स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कराची किंग और मुल्तान के बीच में होने वाले PSL के 14th मैच का। तो देखेंगे 14th मैच जो है वो किस तरीके से हो सकता है, क्या क्या सीनरी जो है रहने वाला है। तो सबसे पहले अभी तक आप चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना। तो अगर हम दोनों टीमों की बात करते हैं तो लास्ट मैच अगर दोनों टीमों को देखोगे ना तो दोनों टीमें अपने अपने लास्ट मैच जो है वो खुद से ही खेली थी। जहाँ पे देखोगे तो आपको देखने लगेगा कि मुल्तान जो है वो काफ़ी अच्छा रन बनाया था, 190 प्लस रन बनाया था, और कराची भी जो है वो चेस करते हुए सिर्फ कुछ रनों से जो है वो हार गया। तो दोनों में कह सकते हो कि एक 190 का राइवलरी था जो कि बहुत ही अच्छे से देखने को मिला, और एक बहुत ही अच्छा सा जो है वो स्कोर आपको वहाँ पे होता हुआ नज़र आया। यानी कि अगर हम दोनों टीमों की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैच परफॉर्म की थी और काफ़ी जो है वो रन बनते हुए आपको नज़र आया था वहाँ पे। लेकिन अब अगर देखना है ना तो देखो, आपको सिर्फ 3 रन से जो है मुल्तान जीता था और 196 रन मुल्तान बनाया था, 193 जो है वो आपको कराची पहुंच गया था। तो अगर हम जब दोनों टीमों की बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि दोनों टीमों में हम लोग देख लो तो बैटिंग जो है दोनों टीमों ने नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त किया, लेकिन इनका बॉलिंग कहाँ है? क्योंकि बॉलिंग में देखो ना दोनों टीमों ने जो है बहुत ही बेकार किया। कराची की बात करते हैं तो कराची में जो है कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कि एक अच्छा का इम्पेक्टफुल डाल सके, और सेम चीज़ जो है मुल्तान में देखने को मिलेगा। मुल्तान में जो है कोई भी ऐसा एक अच्छा बॉलर नहीं था जो कि इम्पेक्ट डाल सके, सिर्फ एक इंसुलाह को छोड़ के। इंसुलाह को देखने को मिला कि उसका इकनॉमी रेट जो है वो केवल 4 का जो है वो इकनॉमी रेट था, यानी कि 4 ओवर में सिर्फ 17 रन जो है वो दिए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं तो अभी तक जब हम उससे नहीं जुड़े हो चाहते एक विनर सेशन इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट उठा सको, दिए जाओ व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आपको टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, कॉल वीडियो सब्सक्राइब आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रॉफिट उठाने की जर्नी है ये आप शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कराची की, तो कराची में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो है लास्ट मैच जो है कराची में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तो जो है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी में जो है मैचेज होने वाले हैं। तो अभी ये देखते हैं तो संडे को आपको देखने मिलेगा टाइमिंग जो होगा वो 2:30 और 2 मैचेज जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग कराची के अभी के पीस की बात करते हैं तो कराची में जो भी मैचेज हुआ है तो अभी देखोगे रिसेंट में जो भी मैचेज कराची पे हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैचेज कराची पे हो रहे थे और काफ़ी अच्छा अच्छा जो है रन बन रहा था। लेकिन शुरुआत में हमने ये भी देखा कि फर्स्ट इनिंग में जो है बहुत ही अच्छा रन बन रहा था, लेकिन सेकेंड इनिंग में जो है थोड़ा बहुत कम रन जो है बन रहा था। जो लास्ट मैच कराची में हुआ था आप वहाँ पर देखोगे इस्लामाबाद ने जो है वहाँ पर 220 रन बनाया था और क्वेटा जो है 157 रन जो है बना पाया। तो इस तरीके से जो है वो रन बनते हुए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा और हाईएस्ट जो है वो रन बन रहा है। और रिसेंट में जो भी मैचेस यहाँ पे हुआ है उनमें आप देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल फर्स्ट बैट जीत रहा है सेकेंड बैट जीत रहा है, कराची में जो है ये काफ़ी वेरी कर रहा है, कभी फर्स्ट बैट कभी सेकेंड बैट जो है चल रहा है, और लेकिन रन जो है काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। यानी कि टीमें जो है वो अगर मजबूत होनी चाहिए तो रन जो है काफ़ी अच्छे बनते हुए नज़र आ सकता है। अभी हमें बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में, तो देखोगे 57 मैचों में से 22 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 35 जो है सेकेंड बैट जीता है, और फर्स्ट बैट अगर जब देखोगे तो 174 जो है आपको देखने को मिलेगा। और यही स्कोरिंग पैटर्न की हम लोग बात करें तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको देखने लगेगा कि 12 स्कोर जो है वो फर्स्ट 150 से नीचे है, 12 जो है 50 से 70 के बीच में है, और 70 से 90 के बीच में 14 है, और 190 से ऊपर जो है 19 है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ जो है जो रन है वो काफ़ी हाई वाले एरिया में ज़्यादा रहता है। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टीम में जो है कोई ज़्यादा खासा खासा बदलाव जो है वो है नहीं। एक बार प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा जो है अच्छे फॉर्म में जो कि आपको अपने टीम के हिसाब से पिक करके जो है वो लेके चलना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम लोग दोनों टीमों की बात करते हैं तो देखोगे तो शान मसूद का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, रिजवान का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, क्योंकि रिजवान जो है पिछले अगर हम बात करते हैं कुछ मैचों में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लास्ट मैच में भी जो है वो सेंचुरी जो है वो लगा था। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा जो है फॉर्म आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा रिले जो का फॉर्म जो है अच्छा है, डेविड मिलर का भी ठीक है, किरण पोड़ा का फॉर्म जो है थोड़ा सा उतना अच्छा भी नहीं देखने को मिल रहा है, बॉलिंग जो है कोई भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है सिवाय एक इंसुला का जो कि वो इकोनॉमी रेट जो है अच्छा रहा है लेकिन विकेट जो है वो नहीं मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कराची की, तो कराची की तरफ से देखोगे तो कराची की तरफ से आप उन्होंने फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म में जो है मैथ्यू वेट का फॉर्म थोड़ा ठीक है, जेम्स भिंस का फॉर्म जो है लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, यही रीज़न था कि लास्ट मैच में जो है 193 रन जो है कराची बना पाया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक इमाद वसीम का और शोएब मलिक का फॉर्म जो है ये अच्छा है तो आप पिक कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बॉलिंग में, तो बॉलिंग में जो है कोई किसी का फॉर्म जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा है, एक मोहम्मद उमर को जो है थोड़ा सा पिक कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है फॉर्म किसी का नहीं चल रहा है बॉलिंग में। इसके अलावा हम लोग रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंट में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जो है रिसेंट 5 मैचों में से 4 जीता है 1 हारा है, और कराची जो है रिसेंट 5 मैचों में सिर्फ 1 जीता है 4 जो है वो हारा है, जो कि इस एडिशन की बात चल रही है। और रिसेंट अगर हेड टू हेड में देखा जाए तो टोटल जो 9 मैचेज हुआ उनमें से 4 जो है मुल्तान जीता है और 5 जो है कराची जीता है। और इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं टीम टीम का भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े होते जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आपको और सब्सक्राइब टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि यहाँ पे आपको इस रिलेटेड जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलो एक बार जो है वो देख लेते हैं टीम और फिर करते हैं वीडियो को एंड।
अब बात करते हैं हम लोग ड्रीम इलेवन टीम का, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि किसको जब पिक करके चलना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि रिजवान का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, वेड का फॉर्म भी जो है वो ठीक है, तो पिक कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं दिलियो जो का फॉर्म अच्छा है, जेम्स भिंड का परफॉर्मेंस लास्ट मैच के हिसाब से देखोगे तो अच्छा चल रहा है, मलिक का परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छा अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग ऑलराउंडर की बात करते हैं तो इमाद का फॉर्म अच्छा है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अभी के सीनरी में जो है वो उमर उस्मान उमर का जो है फॉर्म अच्छा है। इसके अलावा जो है अब्बास अफरीदी का फॉर्म अच्छा है, और इसके अलावा जो है आप एक जो है इंशाल्लाह को पिक करके चल सकते हो। लास्ट मैच में मिला कि विकेट नहीं मिला था, लेकिन अभी जो इसे बताया मैंने इकोनॉमी रेट जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था, पिक कर सकते हो। अब हम ऑलराउंडर में देख लेते तो एक जो है बेन कटिंग का ऑप्शन जो है आपको देखने मिलेगा, या फिर जो है आपको यामीन का जो है फॉर्म थोड़ा सा ठीक है तो आप पिक कर सकते हो। इसके अलावा हम बैटिंग की बात करते हैं, बैटिंग में जो है आप एक शान मसूद को ले सकते हो या फिर मिलर को, तो ये जो है आपके लिए चांसेस रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग शान मसूद को जो है कर लेते हैं, तो ये जो है हमारा टीम हो गया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते तो आपको 50% लोग जो है वो रिजवान को कैप्टन बना के जाएंगे, तो आम भी जो है वो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। एक टीम में जो है वो जरूर बना के देना, या तो कैप्टन या वाइस कैप्टन। अब वाइस कैप्टन देखो तो रिलर जो का जिस तरह का फॉर्म है या इमाद का जिस तरह का फॉर्म है, ज़्यादातर लोग जो है इन्हीं को चूज करके जाने वाले हैं, तो हम लोग जो है यहाँ पे इमाद को जो है पिक कर लेते हैं वाइस कैप्टन के तौर पर। और यहाँ से जो है आप देख सकते हो टीम प्रीव्यू, इस टीम के साथ जो है कोई भी लीग जो है खेल सकते हो। इसके लिए आपको और भी टीमें चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप का जो नंबर है वो आपको वीडियो डिस्प्ले में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।